कासगंज जनपद तहसील क्षेत्र पटियाली के कादरगंज गंगा घाट पर गंगा स्नान करते वक्त दो श्रद्धालु गंगा में डूब गए। बता दें, दशहरा पर्व को लेकर गंगा स्नान के लिए कादरगंज गंगा घाट हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें दो श्रद्धालु गंगा में डूब गए। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है, जहां थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के ग्राम बघराई निवासी 20 वर्षीय विपिन पुत्र रामनाथ एवं ग्राम नगला रगी निवासी 14 वर्षीय महावली पुत्र कंचन गंगा में स्नान करते वक्त डूब गए। घटनास्थल का उपजिलाधिकारी पटियाली रविंद्र कुमार, सीओ दीप कुमार पंत ने निरीक्षण किया। फिलहाल गोताखोरों द्वारा गंगा में दोनों लोगों की तलाश की जा रही है। झालावाड़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। परिसर में निर्माणाधीन कार्य को आचार संहिता के पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए। ट्रोमा सेंटर एवं नर्सरी केयर सेंटर का कार्य में देरी होने पर संबंधित ठेकेदार फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने MICU सहित कैंसर वार्ड, हेल्प डेस्क, मेडिकल रिकॉर्ड रूम देखा, व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। राजगढ़ के पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज द्वारा जीरापुर नगर में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया, जिसका पटोत्सव दिवस प्रतिवर्ष गंगा दशमी पर मनाया जाता है। इस दौरान समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का सिलसिला चल रहा है। इस वर्ष भी पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। साथ ही ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया जो इस वर्ष शासकीय सेवा में चयनित हुए हैं। कार्यक्रम में समाज के प्रसिद्ध यूट्यूबर दीपक दहिया को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पीपा क्षत्रिय महासभा के अनेक पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक एकता पर अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज कल्याण समिति जीरापुर के अध्यक्ष दिलीप टेलर, पीपा क्षत्रिय महासभा से अशोक कुमार चौहान, शिवनारायण मकवाना, मुरली मनोहर टेलर, हरीश जादम, मुकेश दहिया, श्याम सुंदर हाड़ा सहित पीपा क्षत्रिय समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में राप्ती आरती व गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को डुमरियागंज के पूर्व विधायक व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आयोजित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर गंगा आरती की गई। आयोजक व युवा के प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन वे 2012 से कर रहे हैं। धार्मिक सामाजिक विरासत जो समाप्त हो चुका था, वह अब फिर से लोगों को जागरूकता के कारण शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। 2012 से माँ चरावती की आरती हर रविवार को शुरू की गई थी। गंगा दशहरा का पर्व 2013 से प्रारंभ किया गया, 11वां वर्ष मेरे ख्याल से हो रहा है। और हर वर्ष भव्य तरीके से माँ चरावती राप्ती के तट पर हम माँ चरावती से प्रार्थना करते हैं, और उसी प्रार्थना की भी देन है कि हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति का के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन तो ऐसे भी महत्वपूर्ण है, एक तो बड़ा मंगल का दिन है और दूसरे गंगा दशहरा का पर्व है। तो यहाँ पे ये गीत, भक्ति गीत और प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम है। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ, कई हजार की संख्या में धीरे धीरे लोग आते और जाते रहते हैं। आज के दिन
हम आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई बहुत खुशी। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार बाजूहेड़ी से है। रोहतास पुत्र श्यामलाल निवासी बेलडा उम्र 32 वर्ष बारात में से वापस आ रहा था। रास्ते में नहर में नहाने के लिए रुक गया और पैर फिसलने से नहर में डूब गया। ये खबर मंगलवार शाम 5 बजे की है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसके गांव में संपर्क साध के उसके परिजनों को बुलाया। घर में माँ बाप बहू और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर चप्पल कपड़े मोबाइल उसकी बाइक खड़ी थी जिसका नंबर UK 17 T0 845 था और गाड़ी में चाबी भी लगी हुई थी। पहुंच गया वो, पता नहीं रास्ते में क्या कैसे गुजरा इसका बैटरी खुलवा इसके लिए। अरे नंबर क्या नंबर मेरे पास फोटो वगैरह मिले सर मिला नहीं सर अलाहाबाद। राजस्थान पुलिस ने एक सप्ताह पहले लोहार मोहल्ला के एक मकान से हुई चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर इससे 16 लाख रुपए मूल्य का माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि लोहार मोहल्ला निवासी मोहम्मद इकबाल लोहार ने 24 मई को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह 19 मई को अपने पूरे परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर इंदौर चाचा के यहाँ शादी में गए हुए थे। 23 मई की रात को उनका परिवार शादी से वापस लौटा, तब घर को संभाला तो पीछे गली की ओर स्थित दरवाजा टूटा हुआ था। छत पर अट्टे के रास्ते का भी ताला टूटा हुआ था। इसके साथ ही 3 कमरों के भी ताले टूटे मिले। जिस पर घर पर रखे सामान को चेक किया तो 3 कमरों की अलग अलग अलमारियों में रखे करीब 14 तोला सोना और 4 किलो चांदी के आभूषण गायब मिले। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया, विशेष टीम का गठन। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा के निर्देशन में उप अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा, थानाधिकारी चंद्र ज्योति शर्मा, सहायक उप निरीक्षक बने सिंह महावीर सिंह, हेड कांस्टेबल गौतम चंद, प्रीतम सिंह सीताराम, कांस्टेबल बाबूलाल स्वामी, महिपाल मांगीलाल, प्रेमाराम करण सिंह झालावाड़ कोतवाली के विश्वनाथ सिंह की टीम गठित की गई। राजगढ़ के महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए जिले में चलाए जा रहे लगातार अभियान के तहत जिला पुलिस टीम को लगातार सफलता मिल रही है। जिले में जारी मुस्कान अभियान के तहत थाना ब्यावरा सिटी की पुलिस टीम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 24/5/2023 को फरियादिया अपहर्ता की मां ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट की कि मेरी नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष 10 माह को आरोपी सुनील राव निवासी सुंदर हेड़ा का बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 354/23 धारा 363 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण अपहरण एवं महिला संबंधी गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री बीरेंद्र कुमार सिंह IPS द्वारा मामले की सूक्ष्मता से शीघ्र जांच करने के निर्देश दिए। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद, SDOP ब्यावरा श्रीमती नेहा गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्यावरा सिटी निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी व अपहर्ता की दस्तयाबी हेतु एक टीम गठित की गई। दिनांक 24/5/2023 को फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनकी नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर वहाँ कर ले गया है। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मार्गदर्शन में हमारे द्वारा एक टीम तैयार की गई। इस टीम के द्वारा जो बालिका थी उसे थाना तलैन क्षेत्र से हमारे द्वारा 27/5/2023 को दस्तयाब किया गया और इसमें जो बालिका ने कथन दिए थे इसमें जो मुख्य आरोपी था सुनील राव उसके द्वारा बेला फुसला कर वहाँ ले जाना या उसके साथ गलत काम करना या उसके द्वारा बताया गया और अन्य साथियों का भी सहयोग बताया गया तो इसमें धारा 366, 368, 376, 276 एवं पॉक्सो की धाराएँ बढ़ाई गई और इसमें जो मुख्य आरोपी सुनील राव एवं उसके साथ 2 अन्य सह आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के राप्ती नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत, 15 वर्षीय समीर और 13 वर्षीय महक की नदी में डूबने से मौत। खरचोला नानकार गांव के पश्चिम राप्ती नदी में समीर और महक गए हुए थे।
नहाने। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। अपने रिश्तेदार हफीजुल्लाह के घर की शादी में शामिल होने आए थे मृतक बच्चों के परिवार के लोग। पुलिस मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही में जुटी। बांसी कोतवाली क्षेत्र के खरचौला नानकार की पूरी घटना। असुआ लागत रहा हमें चलत रहा ससुईया चलत रहा लागत रहा हमें। सिद्धार्थनगर जिले के कूड़ा नदी में नहाने गए चार बच्चे डूबे। चारों बच्चों की मौत। 13 से 14 वर्ष के हैं सभी मृतक। बच्चों के परिजनों में मचा कोहराम। उसका थाना क्षेत्र के इमीलिहा गांव का मामला। मृतक बच्चे बगल के गांव सिंघोरवा के बताए जा रहे हैं निवासी। ले बेटा कौन रिश्तेदारी में है और हो तीनों लड़के। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।